हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, जैसे कि हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें बनाया था कि जो भी हमारे स्टूडेंट लेस देन 200 वाले हैं वो हो जाएंगे फेल और जो उससे ऊपर वाले हैं वो हो जाएंगे पास। तो इस तरह का हमने एक VBA के थ्रू एक हमने कोड बनाया था, उसको कोड को आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से था, मैं आपको उसको रिव्यू करवा देता हूँ कि यहाँ पे ये बनाया हुआ था मैंने, इसको भी डिलीट कर देते हैं, कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं लेस देन 200 वाले हैं वो हो जाएंगे फेल। इसको हम लगा रहे थे, मतलब बेसिकली हमें एक्सेल के फंक्शन आता था, उसी एक्सेल के फंक्शन को हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करी है। हमने VBA का जो फंक्शन होता है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन ना लगा के, हमने वही फंक्शन यूज़ करके हमने उसमें पास फेल की कंडीशन दी थी और वो हमारी लग गई थी। हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए, तो मैंने उसमें बताया था कि मैं आपको जो दूसरा वीडियोस बनाऊंगा उसमें ये बनाऊंगा कि अगर हमको ये कंडीशन अब ये देनी है, अगर मेरी ये वैल्यू होती है 200, लेस देन 200, तो मेरा ये हो जाएगा रेड। अगर 200 से अबव है तो ये हो जाएगा मेरा ग्रीन, मतलब फेल वाले मेरे हो जाएंगे रेड और पास वाले मेरे हो जाएंगे ग्रीन। तो इसी के लिए मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा वो पुराना वाला कोड था, तो इसमें देखिए सब रिज़ल्ट कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने नाम दिया रिज़ल्ट 2, तो एक मीनिंगफुल सा नाम दीजिए वो सही रहता है। तो उसमें मुझे करना क्या है, मैं उसमें डिम आई एस इंटीजर ये डिफ़ाइन कर देता हूँ। इंटीजर मतलब इसमें मेरी एक न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आई को कोई वैल्यू दे देता हूँ, आई इज़ इक्वल टू, ये मेरा है 3, F3 पे है ना 3, ये देखिए 3 से लेके 15 तक, 3 to 15, मतलब मेरा जो मैं 4 लूप चलाना चाहता हूँ बेसिकली। तो 4 लूप 3 से लेके यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ पे एंड करे, 3 पे स्टार्ट हो मेरा 4 लूप और यहाँ पे ख़त्म हो जाए 3 to 15। ये वाली 15 वाली रो देख रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जब भी मैं 4 का अपना एक मतलब 4 लूप चलाता हूँ तो 4 से स्टार्ट करके मुझे नेक्स्ट पे उसे एंड करना होता है, तो सबसे लास्ट में आप नेक्स्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे करना क्या है कि यहाँ पे मुझे लगाना है कि जो भी वैल्यूज़ मेरी लेस देन 200 है, अगर लेस देन 200, अगर ये ग्रेटर देन 200 है तो ये पास है, तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी रेड हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन मुझे लगानी है, तो यहाँ पर मैंने पहले 4 लूप लगा दिया। अब इसके अंदर मुझे कोडिंग करनी है, इफ़ की कंडीशन देनी होगी, इफ़ रेंज। अब मुझे कंडीशन लगानी है इस वाले पे, ई वाले कॉलम पे, ई को आप ये बंद कर देंगे और यहाँ पे एंड लगाएंगे, एंड या एम्परसेंट बोल सकते हैं, और आई लगा देंगे। आई क्या है 3, तो E3 हो जाएगा ये बेसिकली E3। अब इसे ई आई मत पड़ी, देखिए अब इसे देखिए, इफ़ E3 मतलब 239, इफ़ 239 डॉट वैल्यू इज़ लेस देन 200, देन, अगर ये मेरी लेस देन 200 है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर ये मेरी लेस देन 200 है तो मैं इस वाली को रेड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा रेंज एफ़, इसको सेम वही तरीका M%, ये हो जाएगा मेरा F3, मतलब ये वाली वैल्यू डॉट, जो कलर वाला हमारा होता है इंटीरियर से स्टार्ट होता है, इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB रेड, ये मेरा हो जाएगा रेड। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास एक ही कंडीशन है, या पास फेल वाली, पास वाले रेड हो जाएंगे, इसके अलावा जो भी आएगा वो फेल हो जाएगा, जैसे कि मैं FK कंडीशन में होता ही है, एस, ये एल से स्टार्ट होता है, एस रेंज एफ एंड आई डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB ग्रीन। और यहाँ पे जब भी हमारा इफ़ की स्टेटमेंट चल रहा है तो मैं इसे एंड इफ़ से ख़त्म करेंगे, ये एक थंब रूल है, इसे हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमने कर दिया, हमने कंडीशन लगाई है ई वाले पे कि अगर हमारी, देखिए सबसे पहले आई इंटीजर डिफाइन कर दिया, 3 से 15 चले, 3 से 15 होता है मेरा 3, देखिए 3 यहाँ से स्टार्ट है ना, 3 to 15 यहाँ तक चलेगा वो। और ई एंड आई, E3, अगर मेरी E3 की जो वैल्यू है लेस देन 200 है तो क्या होगा, वो हो जाएगा रेड, इसके अलावा जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन,
एंड इफ से मैंने ख़त्म किया है और फोर लूप जो चला रहा हूँ नेक्स्ट यहाँ से, जैसे स्टार्ट यहाँ से होता है नेक्स्ट पे ख़त्म होता है, तो इस तरीका का। तो देखिए इसे मैं रन करता हूँ, तो देखिए जो भी मेरा इसमें उल्टी कंडीशन लग गई है क्योंकि यहाँ पे एरो ग्रेटर देन वाला लग गया है, तो ये लगा देते हैं, फिर से रन करते हैं। तो देखिए जो भी मेरा ग्रेटर देन 200 है वो हो गया मेरा पास, और जो लेस देन वाला फेल। ठीक है, ऐसे एक एक करके चलाते हैं, कलर हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 3, तो ये मेरा हो जाएगा E3 डॉट वैल्यू मतलब 239, लेस देन 200 है, नहीं है तो ग्रेटर देन 200 है, तो यहाँ से जंप करके नीचे आ जाएगा ये, यहाँ पे आ गया, इसने कर दिया इसे ग्रीन। फिर इस तरीके से ये चलता रहेगा, फिर दूसरे पे गया, ये मेरा हो गया E6 मतलब इसको देखिए ना, इस वाले को इस पर लगा रखा है E6। तो अब इसे रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। अभी देखो मेरे कोई कंडीशन नहीं है, फेल पास पे नहीं लगी है, इस पे कंडीशन लगी है बेसिकली। जो मेरा पुराना वाला कोड है जो रिजल्ट वाला, मैं उसे यहाँ पे चला देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से चल जाएगा मेरा कोड जो मैंने पुराना कोड बनाया था। तो फुल लूप का कॉन्सेप्ट इनिशियली लोगों की समझ में नहीं आता है क्योंकि ये ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन ये ईजी है। एक बार अगर आपकी समझ में आ गया तो आप ईजिली कुछ भी कर सकते हैं। फोर लूप चलता कैसे, पहले 1, 2, 3 ऐसे चलता रहता है, मल्टीपल मतलब एक एक सेल को सेलेक्ट कर करके ऐसे चलता रहता है। जैसे 3 to 15 है तो 3 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 में आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट के बाद ही फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा, इसकी कंडीशन होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से लगाए। अगर आप इसको मैनुअली एक बार यूज़ करेंगे, मतलब आप एक VBA एडिटर में डाल के और इसको आप लगाएंगे इस फंक्शन, इस VBA जो भी है कोड बना हुआ है, तो आप इजीली समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आप यूज़ कीजिए, और मैं उसमें और भी वीडियो ट्यूटोरियल डालूंगा जिसमें छोटे छोटे इसी तरह के कोड्स मैं लेके आते रहूँगा, जिससे कि आप इजीली आप अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स और ट्रिक्स जो है वो है आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करें। जब तक प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।